दोस्तों नमस्कार। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन फिल्म इंडस्ट्री के राइजिंग सुपरस्टार के तौर पर पहचान बना चुके हैं। इसकी खास वजह है एक्टर का कूल नेचर और क्रेजी फैन फॉलोइंग। मगर कार्तिक आर्यन इन दिनों एक और वजह से चर्चा में हैं। उनके पास एक समय पर कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स थे, मगर पिछले कुछ समय से उन्हें अपने कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स से हाथ धोना पड़ गया। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्तिक के साथ ऐसा क्या हो गया। क्या कोई डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है या फिर ये महज उनकी बदकिस्मती है। पहले उन्हें करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 के साथ साथ शाहरुख खान की फ्रेडी से निकाल दिया गया। उसके बाद ऐसी अफवाहें भी तेजी से वायरल हुई जिसमें एक्टर को आनंद एल राय की एक फिल्म से भी हाथ धोना पड़ गया। और अब इस पर फिल्म मेकर यानी कि अनुभव सिन्हा ने रिएक्ट किया है। फिल्म डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि एक बात कहूं, जब कोई प्रोड्यूसर किसी एक्टर को ड्रॉप करता है तो उस बारे में वो बात नहीं करना चाहता। दोनों ही इस बारे में बात नहीं करते, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। कार्तिक आर्यन के खिलाफ जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसे लेकर मैं चिंतित हूं, ये बहुत ही अनुचित है। मैं कार्तिक आर्यन के शांत स्वभाव की सराहना करता हूं। हालांकि आनंद एल राय की जिस फिल्म से कार्तिक को बाहर किए जाने की बातें हो रही हैं उस पर आनंद एल राय की सफाई भी सामने आई। उन्होंने कार्तिक आर्यन को किसी भी फिल्म में काम करने के लिए साइन ही नहीं किया, ये उन्होंने कहा। हालांकि कार्तिक ने अब तक इस पूरे मामले पर खुलकर कुछ नहीं कहा है। सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि क्या कार्तिक आर्यन करण जौहर के ईगो को हर्ट करने की कीमत चुका रहे हैं। क्या इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है। क्या एक बार फिर वही हो रहा है जो कभी आउटसाइडर के नाम पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ होने की बात सामने आई थी। इन सभी सवालों पर कार्तिक के चुप्पी से शक और ज्यादा गहरा हो गया। साथ ही सवाल यह भी है कि इस गहराते शक पर, साजिश पर कार्तिक के फैंस कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि सुशांत के जाने के बाद भी यह कहा जाता रहा है कि बॉलीवुड किसी के बाप का नहीं, तो फिर कार्तिक को सजा क्यों। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दी HFF अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।